हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज से स्टार्ट हो रहा है संगीत संस्था। जितनी भी संगीत की संस्थाएं हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे, अन्य विविध पक्ष। ठीक है, तो इसकी 5 वीडियो क्लासेस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 851, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 851, संगीत शिक्षक वर्ग और कलाकारों ने किस वर्ष दादर स्थित संगीत विद्यालय बंबई में एकत्रित होकर संगीत शिक्षक संघ की स्थापना की? क 1954, ख 1957, ग 1960 या घ 1995। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख 1997। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 852, पंडित भास्कर राव बलवरे द्वारा पूना में सन 1874 में किस संगीत संस्था की स्थापना की गई? क संगीत साधक समाज, ख भारत गायन समाज, ग कला क्षेत्र ट्रेड ट्रेस्ट, घ संगीत निकेतन। इसका जो सही आंसर है वो है ख भारत गायन समाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 853 क्वेश्चन नंबर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? क 1901, ख 1889, ग 1906 या घ 1935। तो इसका जो सही आंसर है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में 5 मई 1901 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 854, सन 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ौदा में तथा 1920 में लखनऊ में संगीत विद्यालयों का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? क विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ख विष्णु नारायण भातखंडे, ग उस्ताद अलाउद्दीन खां, घ अमीर खां। क्वेश्चन 1918 में ग्वालियर में, ठीक है, 1920 में बड़ौदा में और 1926 में लखनऊ में, ठीक है, संगीत विद्यालयों की स्थापना करवाई थी विष्णु नारायण भातखंडे ने। ठीक है, ये आप अलग से नोटबुक में लिख लीजिए कि 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ौदा में और 1926 में लखनऊ में संगीत विद्यालयों की जो स्थापना थी वो विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 855, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एक ऐसी संस्था है जो भारत के अलावा विदेशों में भी संगीत संस्थाओं को संबद्ध कर संगीत की विविध परीक्षाओं का संचालन करती है एवं उपाधियां प्रदान करती है। इस संस्था द्वारा प्रदत्त संगीत प्रभाकर की उपाधि किसके समकक्ष है? का प्रवेशिका, ख माध्यमिक,
ग स्नातक या घ स्नातकोत्तर। यहाँ पे बस ये पूछा जा रहा है कि जो प्रयाग संगीत समिति है इलाहाबाद वाला, वो विदेशों में भी ये कोर्स करवाया जाता है, और नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको बताना है इसके किसके समकक्ष है। आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का आया है जो फॉर्म अभी निकले थे, तो उसमें एक तो ग्रेजुएशन मांगा था और एक प्रभाकर मांगा था। तो कुछ लोग मुझसे ऐसे ही पूछ रहे थे, सर हमने तो ग्रेजुएशन किया, हमें प्रभाकर की क्यों जरूरत है, है ना, हमें प्रभाकर की तब कोई प्रॉब्लम, प्रभाकर तो नहीं, दोनों तो एक ही चीज हो गई। हाँ नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज है, उसके समकक्ष है दोनों। मतलब कि जैसे स्नातक इसका सही आंसर है, बता देता हूं आपको, स्नातक होगा इसका सही आंसर, इसी के समकक्ष है प्रभाकर। हाँ लेकिन जो हम यूपी टीजीटी पीजीटी है उसमें क्या मांगा गया है, दोनों चीजें अलग अलग मांगी गई है। आपके पास प्रभाकर होना चाहिए, मतलब कि 6 साल का कोर्स होना चाहिए। हाँ एक तरफ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, भले ही आपने बीए प्रोग्राम किया हो, बीए या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, हाँ उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एक तरफ, दूसरी तरफ से आपके पास प्रभाकर या विशारद, हाँ या 6 साल का कुछ भी होना चाहिए, या बीटी बैचलर ऑफ टीचिंग, है ना, कोर्स जो होता है वो होना चाहिए। जो जो उसमें मेंशन है, 5-6 उसमें मेंशन है, उनमें से आपके पास कुछ होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, तो आपका फॉर्म रहेगा। बाकी कोई भी आपसे गलती हुई है तो उस टाइम एक शपथ पत्र वो होता है एप्लीकेशन कि आपसे ये गलती हुई है, वो लिख के आप दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस थोड़ा सा दूसरी तरफ हम चले गए। तो जो प्रभाकर है वो किसके समकक्ष है, वो है स्नातक, वो ग्रेजुएशन के ही माना जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन माना जाता है, और बीएड भी वो माना जाता है, बीएड के भी समकक्ष माना जाता है, ठीक है, वो बीएड के भी समकक्ष माना जाता है। शायद आपको पता हो कि पहले शायद 2014 से पहले 5 साल का होता था, अब ये 6 साल का होता है ना, 2014 से पहले 5 साल का होता था पहले, और उसके बाद से 6 साल का हो गया, मेरे ही टाइम से कि 6 साल का हो गया था उस टाइम से, तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा सन था, कि पहले होता था 5 साल का ही होता था प्रभाकर, फिर अब हो गया 6 साल का, ठीक है। तो मैंने जो गंधर्व महाविद्यालय से किया है मैंने, तो जब मैं गंधर्व महाविद्यालय में था तो उसमें 8, 9 और 10 इस तारीख को वहां पे एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, और वहां पे फिर आपका आपसे पूछा जाता है क्या कैसे क्या है नहीं, फिर एक आपको वहां पे कुछ सुनाना पड़ेगा, फिर आपका होगा, तो एक इंक्वायरी रूम है वहां पे जाके मैंने पूछा था ये चीज कि ये इसकी जो ग्रेड है, उन्होंने मुझे बताया इस चीज के बारे में, इसकी जो ग्रेड चढ़ी होती है वो बीएड की ग्रेड चढ़ी होती है, मुझे टीचर ने बताया कि इसकी जो ग्रेड चढ़ी होती है वो बीएड की ग्रेड चढ़ी होती है, उन्होंने मुझे ये बताया, और ये ग्रेजुएशन के भी समकक्ष है। हाँ तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये प्रॉपर टीचिंग के लिए किया जाता था पहले से, आप जितने भी पहले के देखोगे, आप ग्रेजुएशन के बेस से बहुत कम लोगों को देखोगे, प्रभाकर के बेस से ही देखोगे। अब ये मत सोचना कि मैंने प्रभाकर का रखा है इसलिए, तो मैंने तो प्रभाकर भी कर रखा है, ठीक है, मैंने बीए भी कर रखा है, और मैंने बीए म्यूजिक ऑनर्स भी कर रखा है, ठीक है, मैंने प्रभाकर भी कर रखा है, बीए प्रोग्राम भी कर रखा है, बीए म्यूजिक ऑनर्स भी कर रखा है, एमए पॉलिटिकल साइंस से भी कर रखा है, और एमए म्यूजिक से भी कर रखा है, ठीक है, तो मैंने तो अलग अलग तरह से चीजें मैंने कर रखी है, जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया इसको, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं उसको बताना जरूरी समझता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 856, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई, क 1948, ख 1946, ग 1935 या घ 1926।
तो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1926 में, ये याद रखना। ये प्रयाग संगीत समिति की कब स्थापना हुई, तो 1926 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोटबुक में लिख के रखिए, हमेशा नोटबुक रखिए, फिर बाद में आप बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 857, भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भारत के किस प्रांत में स्थित है? क बंगाल, ख मध्य प्रदेश, ग उत्तर प्रदेश, या घ बिहार। मैंने एमए यहीं से किया है। इसका सही आंसर है, पूछ रहा है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है, एमपी में ये स्थित है। एमपी में कहाँ ये, तो छत्तीसगढ़ में है स्थित, ठीक है, ये याद रखना। आपने देखा होगा कि ऐसे सीजी लिखा होता है, तो छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। अब प्रथम संगीत का ये विश्वविद्यालय है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 858, प्रयाग संगीत समिति की तरह प्राचीन कला केंद्र की विविध संगीतिक परीक्षाओं का आयोजन कर संगीत की उपाधियां प्रदान करता है, यह भारत के किस शहर में अवस्थित है? क इलाहाबाद, ख जलंधर, ग चंडीगढ़, या घ लखनऊ। इसका जो सही आंसर है, प्राचीन कला केंद्र है वो कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, यही पूछा गया। देखो प्रयाग संगीत समिति की तरह प्राचीन कला केंद्र भी विविध संगीतिक परीक्षाओं का आयोजन कर संगीत की उपाधियां प्रदान करता है, ये कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 859, संगीत संबंधी साहित्य के मुद्रक प्रकाशक तथा विजेता संबंधी उस संस्थान का नाम बताएं जिसकी स्थापना सन 1932 में काका हाथ रसी के द्वारा की गई थी। क संगीत कला केंद्र, ख म्यूजिक सर्किल, ग संगीत कार्यालय, घ स्वर संगम। आठ सौ उनसठ क्वेश्चन नंबर है। और इसका जो सही आंसर है वो है ग संगीत कार्यालय। किसके द्वारा हुई थी, 1932 में हुई थी, काका हाथरसी के द्वारा ये हुई थी स्थापना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 860, भारत में पश्चिमी कला संगीत एवं समकालीन कला संगीत के प्रसार हेतु कौन सी संस्था है जो परीक्षाओं के लिए छात्रों को रॉयल ऑफ म्यूजिक लंदन तथा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन भेजती है? क रविंद्र भारती, ख कल्चरल सेंटर, ग फिलोमेल, घ संगीत अकादमी। यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पश्चिमी कला संगीत है एवं समकालीन कला संगीत प्रसार हेतु कौन सी ऐसी संस्था है, ये दो है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें छात्रों को रॉयल ऑफ म्यूजिक लंदन एफ ट्रिनिट कॉलेज लंदन भेजती है, ठीक है, विदेश में भेजती है, तो वो है ग फिलोमेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको एक नोटबुक में जरूर लिखें, है ना, ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 861, मध्य प्रदेश शासक के अंतर्गत सांस्कृतिक विभाग द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कथक, ध्रुपद आदि नित्य विधाओं की शिक्षा दी जाती है? क, श्री सरस्वती मंदिर संगीताश्रम। ख, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी। ग, मधुकली। घ, इंडियन म्यूजिक सेंटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ख, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी है। ठीक है, क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश शासक के अंतर्गत सांस्कृतिक विभाग द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है ऐसी जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, ठीक है, कथक, ध्रुपद आदि नित्य विधाएं शिक्षा दी जाती है, गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 862, उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां पत्राचार दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा कर्नाटक संगीत की शिक्षा दी जाती है। क, दिल्ली विश्वविद्यालय। ख, नागपुर विश्वविद्यालय। ग, मद्रास विश्वविद्यालय। या घ, मैसूर विश्वविद्यालय। ऑप्शन आप देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या मैसूर विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 863, ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियां पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है? क, उमा मिश्र। ख, श्री शत्रुघ्न शुक्ला। ग, हेम भटनागर। घ, अजीत सिंह। क्या पूछा गया कि ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियां दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है इनमें? तो वो है ख, श्री शत्रुघ्न शुक्ला को प्रदान की गई है, ये बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 864, संगीत जगत को रविंद्रनाथ ठाकुर की देन, विषय पर इंदिरा कला विश्वविद्यालय खेरागढ़ मध्य प्रदेश ने किन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? क, श्रीमती अनीता सेन। ख, श्रीमती एस सत्यानाथन। ग, श्रीमती मीनाक्षी विश्वास। या घ, श्रीमती सन्नो खुराना। का, श्रीमती अनीता सेन। ठीक है, इन्हें मिली है खेड़ागढ़ से
डॉक्टरेट की उपाधि। चलिए आगे चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 865, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिकल सिस्टम ऑफ नॉर्थ एंड सदर्न इंडिया विषय पर स्वीकृत शोध प्रबंध किसका है? का लाल मणि मिश्र, ख पुष्पा बसु, ग एन राजन या घ सुभद्रा चौधरी। चौधरी तो इसका जो सही आंसर है वो है ग एन राजन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। तो और टेलीग्राम का नाम बता दे रहा हूं मैं, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, तो ये है ऑल म्यूजिक एग्जाम और इसी नाम से है टेलीग्राम। अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहां से तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, जितने भी प्राइवेट जॉब आते हैं म्यूजिक के, और जो भी चीजें हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक परिवार की तरह है तो अच्छा रहता है। एक ग्रुप होना चाहिए जिसपे सारी चीजें बातचीत हो, वहां पे कोई प्रश्न होता है, लोगों का प्रॉब्लम आती है तो वहां पे सोल्यूशन मिल जाता है। तो आप वहां से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी ऐसा कोई फोर्स नहीं है। बाकी चैनल को एक बार अगर आपकी हेल्प हुई है सच में तो आप एक बार जरूर शेयर करें। अगर आपका चैनल से हेल्प हो रही है तो चैनल को जरूर शेयर करें लोगों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और सबकी हेल्प हो पाए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।